वेलकम टू बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और आज जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आज हम करने वाले हैं फूड ऑर्डरिंग से रिलेटेड वो तो मैं आपको इस क्लास में तीन तरह की वो कैबलरी सिखाऊंगी जिसमें आप करेंगी जब आप टेक अवे करते हैं जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो तब आप अपना मील जो है लेकर चले जाते हैं अपने घर जाकर खाते हैं दूसरी तरह की कॉन्वर्सेशन होगी जब आप होटल में बैठकर खाना खाते हैं और तीसरी तरह की वो या फिर डायलॉग आप कह सकते हो वो हम करेंगे जब आप फूड ऑर्डर करते हैं वैसे तो आजकल हम फूड ऑर्डरिंग मोबाइल ऐप से करते हैं बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए फिर भी हम उसको जैसे मान लो आपने किसी पिज्ज़ा के लिए फ़ोन किया या फिर आपने किसी बर्गर के लिए फ़ोन किया तब आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे किस तरह से बातचीत करेंगे तो वही आज हमारा मेन है. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्डरिंग फूड जबकि जहां पर वो होगा टेक अवे टेक अवे मतलब आप अपने घर पर उसे जाकर खाएंगे आप पैक करा लेंगे रेस्टोरेंट से तो ये जो कॉन्वर्सेशन होगी ये होगी दो लोगों के बीच में जिनमें एक है हमारा कस्टमर यानी कि हम और एक है एजेंट तो मैं आपको दोनों की ही कॉन्वर्सेशन समझाऊंगी सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वन हाई आईड लाइक टू ऑर्डर सम फूड फॉर डिलीवरी प्लीज यहां पर आप देखेंगे जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं हम कॉन्ट्रेक्शन यूज कर रहे हैं सो आईड लाइक टू ऑर्डर सम फूड फॉर डिलीवरी राइट मतलब हाय मैं कुछ खाना डिलीवरी के लिए ऑर्डर करना चाहता हूं ऑफकोर्स तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया एक्नोलेज किया आपकी बात को फिर आपसे पूछा कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं ऑफकोर्स वॉट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर अब ये सर भी बोल सकती हैं या फिर सीधा व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर आईड लाइक तो अगेन ये भी ये कॉन्ट्रैक्शन है आई वुड को हमने आइड कर दिया आई लाइक अ पेपरोनी पिज्जा एंड अ साइड ऑफ गार्लिक ब्रेड प्लीज अब आपने क्या बोला पिज्जा ना कि पिज्जा 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 आई लाइक अ पेपरोनी पिज्जा एंड अ साइड ऑफ गार्लिक ब्रेड प्लीज गार्लिक गार्लिक श्योर थिंग एनीथिंग एल्स श्योर थिंग बिल्कुल कुछ और यस yes. एट ऑल्सो लाइक अ गार्डन सैलड विद रैच ड्रेसिंग सैलड इसे हम सलाड नहीं बोलेंगे सैलड सैलड तो रैंच एक तरह की ड्रेसिंग है जैसे ऑलिव ऑयल ओल या फिर कोई हम सॉस डाल देते हैं सो इट्स लाइक दैट गार्डन सैलड विथ रैच ड्रेसिंग गॉट इट एनीथिंग टू ड्रिंक अब इनको तो अपना बिजनेस चलाना है तो ये आपसे पूछेंगे कि कुछ और इसके साथ खाना है या कुछ और इसके साथ पीना है तो वॉट एवर यू वुड लाइक टू एड यू कैन लेट दम नो आई हैव अ कोक प्लीज परफेक्ट 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 एंड कुड यू प्लीज मेक श्योर द पिज्जा इज एक्स्ट्रा चीजी एक्स्ट्रा चीजी चीजी So, हम एक्स्ट्रा चीज डालने की बात कर रहे हैं या फिर या अगर हम इंडियन में बोलें तो ट्वेंटी एट रुपीज नाइनटी फाइव पेइंग विद कैश और कार्ड प्लीज इसको कंपेयर मत करना बिकॉज इट्स इन डॉलर विल यू बी पेइंग विद कैश और कार्ड आई पे विद कार्ड ग्रेट Your order will be ready in the next 12 minutes. Kindly wait. तो so, आपका ऑर्डर अगले बारह मिनट में तैयार हो जाएगा प्लीज वेट कीजिए ओके मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर अ गुड डे तो जब भी ऑर्डर करता है कोई कस्टमर तो हम, तो वो उन्हें आपका दिन शुभ रहे बोलते हैं तो so, ये हो गई हमारी पहली कॉन्वर्सेशन अब हम चलते हैं दूसरी कॉन्वर्सेशन पर जब हम रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने वाले हैं तो वहाँ पर आप देखिए ये सीन है टेबल पर कस्टमर बैठी हुई हैं वेटर आकर उनका ऑर्डर लेने आया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट हेलो मैम गुड इवनिंग कैन आई टेक यू ऑर्डर प्लीज़ तो उन्होंने सबसे पहले उनको ग्रीट किया और फिर कहा कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज़ कैन आई टेक मतलब क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ हेलो आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ मील प्लीज अब इसमें आप आई वुड भी बोल सकते हैं आईड जैसे कि हमने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में किया वैसे भी बोल सकते हैं हेलो आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ मील प्लीज ऑफकोर्स वट वुड यू लाइक टू हैव टू डे वट वुड यू लाइक टू हैव टू डे ध्यान रखेंगे कि वेटर की जो लैंग्वेज है उसमें कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा नहीं होंगे क्यों क्योंकि उनको एक फॉर्मल तरीके से बोलना होता है कस्टमर इनफॉर्मली कंट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं बट नॉट द वेटर्स और एजेंट्स हैव द ग्रिल्ड सामन सामन इज इट्स अ काइंड ऑफ फिश विद रोस्टेड वेजिटेबल्स प्लीज अब आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है वेजिटेबल्स नहीं है इट इज वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स आई हैव द ग्रिल्ड सामन विद रोस्टेड वेजिटेबल्स प्लीज Great choice. Would you like any drinks with that? Great choice. आपकी choice बहुत अच्छी है क्या आप इसके साथ कुछ drinks लेना पसंद करेंगे Yes, I'll have a glass of iced tea, please. Iced tea, please. Perfect. Anything else I can get for you? क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ No, that will be all for now. Thank you. अब इस phrase को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेज आप टेक अवे में भी यूज कर सकते हैं ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट जब आप वहां पर खाने जा रहे हैं वो भी बोल सकते हैं या फिर अगर आप फोन पर ऑर्डर कर रहे हैं तब भी आप बोल सकते हैं दैट विल बी ऑल दैट विल बी ऑल दैट विल बी ऑल और अगर आपको अभी के लिए दैट और कुछ नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे दैट विल बी ऑल फॉर नाउ ओके दैट विल बी ऑल फॉर नाउ थैंक यू ऑल राइट ऑर्डर विल बी राइट अप मतलब आपका ऑर्डर आने ही वाला है थैंक यू फॉर डाइनिंग विद अस अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस तो मैं बोलूंगी एजेंट का आप बोलेंगे कस्टमर का सो लेट स्टार्ट ऑफ़ कोर्स व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर और व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर श्योर थिंग एनीथिंग एल्स Got it. Anything to drink? Perfect. Absolutely. Your total comes to 28.95. Would you be paying will you be paying with cash or card? Great. Your order will be ready in the next 12 minutes. Kindly wait. यूर मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर एंड हैव अ गुड डे चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस जिसमें मैं बोलूँगी वेटर के डायलॉग्स आपको बोलने हैं कस्टमर के सो लेट स्टार्ट हैलो मैम हेलो सर गुड इवनिंग कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज ऑफकोर्स वट वुड यू लाइक टू हैव टू डे

तो मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ एक पिज्ज़ा एक स्लाइस ऑफ गार्लिक ब्रेड और एक दो लीटर पेप्सी या फिर कोका कोला ग्रेट चॉइस एनीथिंग एल्स टू गो विद इट मैम नो दैट वुड बी ऑल अब देखिए ये सेम फ्रेज हमने रिपीट कर ली है दैट वुड बी ऑल कैन आई हैव योर एड्रेस फॉर डिलीवरी क्या मैं आपका एड्रेस ले सकता हूँ श्योर इट्स वन ट्वेंटी थ्री मेन स्ट्रीट आप इसमें कोई लैंडमार्क बता सकते हैं अपना एड्रेस बता सकते हैं फ्लोर बता सकते हैं जो भी आपको स्पेसिफिकेशन बतानी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ऑब्वियसली आपका जो ऑर्डर है वो सही टाइम पर सही एड्रेस पर पहुंच जाए परफेक्ट योर टोटल कम्स टू ट्वेंटी फाइव नाइनटी नाइन हाउ वुड यू लाइक टू पे आप कैसे पे करना चाहते हैं आई विल बी पेइंग विद माई क्रेडिट कार्ड मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा साउंड गुड योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस तो बढ़िया आपका ऑर्डर 30 से 45 मिनट तक आपके घर तक पहुंच जाएगा थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस। थैंक यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आप सिर्फ थैंक यू कहकर भी कॉल काट सकते हैं तो चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं ओवर द फोन ऑर्डरिंग फूड सो मैं बोलूंगी रेस्टोरेंट एसोसिएट आप बोलेंगे कस्टमर हेलो दिस इज अरुण फ्रॉम एबीसी बी कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज़ Great choice. Anything else to go with it, ma'am, sir? Can I have your address for delivery? Perfect. Your total comes to 25 dollars How would you like to pay? Sounds good. Your order will be delivered to you within 30 to 45 minutes. Thank you for ordering with us. The students this was basic spoken english class for ordering food i hope you have learned something from this class keep practicing and keep learning i'll see you soon with the next video take care and god bless bye bye